हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और सिंपल साइंस यूट्यूब चैनल के जितने भी वीडियोस हैं उनको आपने एंजॉय किया होगा। फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज हम एक बहुत ही यूनिक रिसर्च एरिया के बारे में काफ़ी क्लोजली जानेंगे। और जो आज के हमारे गेस्ट हैं, प्रोफेसर गणेश बागलर सर इज फ्रॉम IIIT दिल्ली, और उनके बारे में मैंने बहुत सुना था, क्योंकि जब मैं IIT जोधपुर में PhD ज्वाइन किया था उसी के आसपास वो इंस्टीट्यूट छोड़ के जा चुके थे, लेकिन उनकी उनकी ख्याति बहुत फैली हुई थी उनके स्टूडेंट्स में। वो बहुत फेमस थे स्टूडेंट्स के बीच, बहुत स्टूडेंट्स का प्यार था। इनफैक्ट आज तक जो भी वहाँ के स्टाफ हैं वो आज भी उनको मिस करते हैं कई कारणों की वजह से। उसमें से एक कारण ये था कि ये एक लौती ऐसी पर्सनालिटी है मेरी नॉलेज में जिनको अक्रॉस द स्पेक्ट्रम सब्जेक्ट्स की बहुत डिटेल नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल, आप उनसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर सकते हैं, आप उनसे मशीन लर्निंग के बारे में बात कर सकते हैं, आप उनसे मॉलिकुलर बायोलॉजी के बारे में बात कर सकते हैं, आप उनसे फिजिक्स के बारे में बात कर सकते हैं, आप उनसे ब्रेन के बारे में बात कर सकते हैं, आप उनसे मेडिकल के बारे में बात कर सकते हैं, आप उनसे फूड के बारे में बात कर सकते हैं। एक ही इंसान इतने छोटे से टाइम स्पैन में इतना सब कुछ कैसे जान सकता है? और ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, मैंने सोचा था कि जब मैं मिलूंगा उनसे तो मैं पूछूंगा। हालांकि कभी इन पर्सन मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि आज उनसे मैं बात कर पा रहा हूँ। ही इज वेरी काइंड इनफ कि एक ही ईमेल में उन्होंने मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। और जो दूसरी जो उनकी खासियत है वो ये है कि ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। मतलब जैसे जब भी कोई स्टूडेंट होता है वो कभी किसी प्रोफेसर को अप्रोच करना चाहता है, और वो प्रोफेसर किसी बहुत नामी इंस्टीट्यूट में होते हैं, और स्पेशली दोज प्रोफेसर्स हु आर वेरी फेमस अक्रॉस द इंडिया, अक्रॉस द नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब, तो ऐसे प्रोफेसर्स को अप्रोच करने में थोड़ा सा संकोच लगता है, डर लगता है कि मैं ऐसी कोई बात ना कह दूं जिससे वो उनको लगे कि मैं गधा हूँ या मुझे आता नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है। बट ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। उन्होंने कभी किसी स्टूडेंट को ऐसा नहीं फील कराया। इनफैक्ट जब मैं ये एपिसोड कर रहा था उनके साथ, तो मुझे आप देखोगे कि मैं बहुत नर्वस हूँ उनसे बात करने के टाइम पे, तो लेकिन फिर भी ही इज वेरी डाउन टू अर्थ कि उन्होंने मुझे बहुत ही रिलैक्स रखा। और जो हमारे पूर्वज क्या के गए हैं कि विद्या ददाति विनयम, आई थिंक प्रोफेसर बागलर सर उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। और कहीं मैंने सुना था कि ये भी एक एक और सेइंग की बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। प्रोफेसर बागला सर इन दोनों विद्या ददाति विनयम और एक इस वाले सेंटेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो कि क्योंकि उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजों को सोचा, उसको इमेजिन किया, जो कि एक कन्वेंशनल रिसर्च नहीं थी। और जब उन्होंने स्टार्ट किया था, तो हम सब जानते हैं ये बात कि जब भी हम कोई एक नया रास्ता चुनते हैं तो अप्रिशिएट करने वाले लोग कम होते हैं और हर्डल्स ज्यादा होती हैं उस रास्ते में, क्योंकि हर चीज आपको जीरो से स्टार्ट करनी रहती है। तो उन्होंने जो अपनी कंप्यूटेशनल गैस्ट्रोनॉमी जो रिसर्च एरिया जिसके बारे में आज हम उनसे जानेंगे, उस एरिया को जब स्टार्ट किया था तो वो उसमें उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आज उन्होंने उस रिसर्च एरिया को एक ऐसे डायमेंशन पे ले जाके, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले जाके खड़ा कर दिया है कि जिसको देख के हर नॉलेजेबल पर्सन उस एरिया का बहुत इम्प्रेस्ड है और बहुत अप्रिशिएट कर रहा है। और उनके उस विजन को का जो इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस है वो हर कोई आज एक्सेप्ट भी कर रहा है और अप्रिशिएट भी कर रहा है। बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आप उनसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज के वीडियो में। एंजॉय द वीडियो। Joy to the world.
receive her King. Let every heart. Hello everyone, very good morning and welcome to another exciting episode of Simple Science. Today I'm going to interview Professor Ganesh Bagler sir, a distinguished computational researcher with expertise in physics, computer science and computational biology. Professor Bagler is renowned for his groundbreaking work in the field of computational gastronomy. He has laid the foundation for this emerging data science which blends food with artificial intelligence. His pioneering research has made significant contributions to the unique research area that deals with food, flavors, nutrition, and public health. Here I would like to add one point that he is the only professor I know who possesses expertise in such a vast diverse area, from the world of food to the realms of artificial intelligence, biology, brain, physics, and many more. His knowledge spans across a remarkable spectrum of subjects. So it's truly inspiring to see how one person can excel in such a broad array of fields. So, sir, I heartily welcome you. Thank you so much for accepting my invitation for this discussion today. Thank you, Aditya. It's my pleasure to be talking to you and through you talking to a large number of your viewers and talking about some topics which are very intimate, close to all those researchers, academicians, as well as students. Thanks for having me around. So, sir, before I start asking you questions related to your area, main shuru karna chahunga ki, like, as I said, ki I know only you that with such a large and across the spectrum of subject area of research fields. So, like मैं अगर इस ऐसे सोचूं कि अगर मैं खुद पढ़ने बैठूं तो मुझे फूड भी पढ़ना है, अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी पढ़ूं, मैं ब्रेन भी पढ़ूं और सेलुलर बायोलॉजी, तो ये करना मेरे लिए बहुत कठिन होगा. इवन आई कैन इमेजिन, लाइक इंस्पायरिंग वर्ड तो बहुत छोटा है ये कहने के लिए. सो सर, कैसे आपने किया ये, आप मतलब लाइक आई वॉन्ट टू नो द स्टोरी बिहाइंड. जी, थैंक्स फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन. बट आपको बता दूं कि ये सारा काम मैं करता हूं बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी. मुझे कुछ चीजें अच्छी लगती हैं. आई लाइक अ क्वेश्चन, आई लाइक अ डोमेन प्रॉब्लम एंड आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. और जब मैं काम करना शुरू कर देता हूँ तो पता चलता है कि जितना मैंने सोचा था उससे बड़ा कठिन प्रॉब्लम है. और वो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते कुछ बार, कई बार मैं जो केमिस्ट्री मुझे ठीक से आती नहीं थी वो सीख लेता हूँ, जितनी कंप्यूटिंग मुझे पहले आती नहीं थी उससे ज्यादा सीख लेता हूँ. तो आई थिंक द आंसर लाइज इन बींग ड्रिवन other than being curious about a topic which actually makes you a polymath. Such people are called polymath, and I must say that I'm nowhere close to be called any superior polymath, but there are plenty of people who have been polymaths, who have been interested and have worked on diverse topics. That's the way to go about it. To Aditya, aapka sawal ka jawab dene ke liye ye main dikhana chahunga slide jisse pata chalta hai ki maine kaun se topic pe kaam kiya hai. And as it turns out, curiosity and driven curiosity has been at the center of it. As a teenager, I was interested in trying to understand stars, galaxies, and basically the secrets of the universe. So something, anything that is enigmatic was something which was of my core, of my curiosity. Similarly, I studied quantum mechanics in my master's studies of physics. And exactly in a similar manner, in PhD, imagine while I was doing my molecular biology PhD, I ended up investigating airport networks, which you might say, what is the relationship? But then it was curiosity, first of all. And secondly, the application of same graphs or graph theory, which can be used for protein structure modeling, can also be done for understanding aviation infrastructure. I think that was how I ended up working, trying to find newer and newer problems and challenges and questions. It has not been easy, I must tell you. But at the same time, this is the kind of drive which keeps me working on different problems and learning things that I otherwise don't understand. I hope you get that. Yes, sir. Yes, sir. That is truly amazing, sir. So let's start our discussion by talking about your research, current research area, sir. So my first question is, sir, that can you please provide an overview of your pioneering research in computational gastronomy and how AI is transforming the world of food, flavors, and nutrition?
Sure, I would love to do that. I'll give a quick glimpse of how, what is computational gastronomy, what are we doing in computational gastronomy, how it can actually change the world. In my opinion, first of all, first is an intimate topic, something which we are connected with every day, four times a day. So, and importantly, other than being part of our taste, nutrition, and health, it is also related to sustainability on Earth. आप सबको पता होगा कि एलन मस्क साहब हमें मार्स पे ले जाना चाहते हैं. हमें नहीं पता कि वो एलन मस्क साहब क्यों जाना चाहते हैं मार्स पे. बट सिचुएशन इज दिस दैट 3 decades डाउन द लाइन 2050 तक हमारी पॉपुलेशन होने वाली है 10 billion. बहुत बड़ा नंबर है. आप उसके नाम के आगे जीरो काउंट कर लीजिएगा. अगर लाख में डालोगे, करोड़ों में डालोगे तो कितना होता है. सस्टेनिंग दिस पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन ऑन द अर्थ बाय हैविंग एन एफिशिएंट इकोसिस्टम फॉर क्रिएटिंग फूड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. And in my opinion, that is not going to happen unless we see the food through the perspective of data. And that's a proposition that I've been offering for a while now. And I call it as making food computable. It might seem as if being a computer scientist, I am trying to propose computer science as a solution for all problems. I don't think so. Computer science is not going to solve all the problem for us, but computing, data science and computing is going to be one of the major aspects of looking at food, understanding food, and solving problems related to recipes that we eat on a day-to-day basis. The flavors, which is what makes us, compels us eating whatever we eat. The nutrition that we get out of it, nourishment that we get out of it. The health impacts, because same ingredients, same food that we eat, eventually end up leading, causing lifestyle disorders. Jaise ki type 2 diabetes hai, cardiovascular disorder hai. Obesity hai. So all of these problems eventually end up causing issues. And of course, not to mention sustainability issue to hai hi. So isiliye, we are trying to create a framework, computational gastronomy framework, by which right from agriculture, right from farm to fork, everything can be made data driven and computable, which such that we can use actually algorithms and solve problems, understand food better, understand food system better, and find problems for solutions, including avoiding wastage, to fixing the supply chain management, to deciding what we, to finding ways by which we can eat more sustainable and better food, which is healthy and tasty, other than being nutritious. That's what we're trying to do. And to answer your question, computational gastronomy is a blend, is a mixture of food and AI. तो आप सोच रहे होंगे कि फूड और एआई, फूड एक चीज है जो कि बहुत ही पर्सनल है, सब्जेक्टिव है, उसको एआई यानी कंप्यूटिंग के साथ कैसे मर्ज किया जाए. बट हो रहा है. बस आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि बड़े 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 लंबे समय से हो रहा है. जब मैं आईआईटी जोधपुर में था एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 2013 से 15 के बीच में, तब इसकी शुरुआत हुई थी. इनफैक्ट 2014 में शुरुआत की थी मैंने इस काम की, और उससे आज तक यानी कि 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं, ये काम बढ़ता गया है. और अभी के एक मैं आपको दिखा रहा हूँ बस पब्लिकेशन की, जिसके चलते आपको दिखेगा कि इट हैज बिकम अ बिग थिंग, एक्सेप्टेड थिंग, समथिंग विच इज अंडरस्टूड नॉट ओनली बाय एकेडेमिया, रिसर्च में और प्रोफेसर लोगों को भी तो पता है ही, बट पब्लिक को भी पता है. बस इतना कहूंगा, और आप मैं चाहूंगा कि आप अगला सवाल, मतलब आप कॉन्वर्सेशन आगे लें. ये मतलब लाइक सर, मैं आगे जाने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आई एम रियली अमेज्ड टू नो कि, क्योंकि फूड के बारे में मैं जैसे सोचूं तो मुझे ये थोड़ा आइडिया था कि लाइक फूड में क्या रिसर्च होती है, लाइक ऐसे फूड जिनमें ज्यादा कैलोरी होती है बट वो टेस्टी होते हैं, तो उनमें कुछ ऐसी रिसर्च करना जिससे उनकी कैलोरीज कम हो, या मतलब लाइक फैट कम मिले और हम खा सकें. और जैसे आइसक्रीम वगैरह में मैंने कुछ वो शार्क टैंक में कुछ एड्स देखे थे कि ऐसी हेल्दी आइसक्रीम्स की क्रेविंग होती है लोगों को मीट स्वीट खाने की, तो वो तो मतलब, लेकिन बट मैं ये इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि एआई कैसे इसमें इंक्लूड होगा. बट दैट इज रियली अमेजिंग एंड इंस्पायरिंग सर. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, कुड यू शेयर सम स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एआई एंड कंप्यूटेशनल अप्रोचेस इन फूड दैट इज अप्लाइड, जो कि आपने अप्लाई किया हो अभी, कोई ऐसा एग्जांपल? लाइक मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उन लोगों के तरफ से जो लोग नॉन टेक्निकल हैं, जिनको एआई एंड फूड दोनों की नॉलेज नहीं है मुझे. लाइक बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उदाहरण के तौर पे समझाऊं कि हम जैसे कैसे एआई इसमें लग सकता है, इसमें यूज हो सकता है. और इसीलिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा
और एक इलस्ट्रेटिव डेटा पॉइंट प्रेजेंट करूंगा जिसके चलते आपको इसका अंदेशा आ जाए कि हम एआई को और डेटा साइंस को, कंप्यूटर साइंस को फूड के कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज करते हैं। सो पहली बात, हमने शुरुआत की थी इंडिया के कुजीन को देखने के लिए, और जब आईआईटी जोधपुर में थे तब इंडियन रेसिपीज का एनालिसिस किया था कि भाई इसमें इंग्रेडिएंट्स के, व्यंजनों के, पाक पदार्थों के कैसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, कैसे उनको मिलाया जाता है, और उसके चलते क्या भारतीय कुजीन, भारतीय व्यंजन अलग व्यंजनों से, इटालियन और ब्राजीलियन और अमेरिकन व्यंजनों से अलग है भी या नहीं। और हमारा रिसर्च ने यह दिखाया था कि एक्चुअली सच में है। यहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी, और हमने जब उस वक्त डेटा यूज किया था, बहुत ही छोटा डेटा था, मैं कहूंगा 2500 रेसिपीज हमने यूज की थी। अब आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि कैसे क्या हुआ है उसके बाद, और कुछ एक आध दो उदाहरण जिसको लेके सबको पता चले कि हाउ इज इट दैट वी कैन यूज एआई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड। पहली बात समझ लीजिए कि किसी भी एरिया को, किसी भी डोमेन को आप डेटा साइंस, एआई या फिर कंप्यूटर साइंस में तब्दील नहीं कर सकते। यू कांट डू इट अनलेस यू हैव द डेटा, क्वालिटी क्यूरेटेड डेटा, बहुत अच्छे तरीके से पैक किया हुआ डेटा होना चाहिए, है ना? यस सर। तो उसके चलते हमने पहली बात ये की, पिछले 8 सालों में बड़ी लंबी लंबा समय लगा है, बड़ी मेहनत लगी है, हमने डेटा जमा किया है, दुनिया भर का डेटा जमा किया है, डेटा जमा किया है रेसिपीज का, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कई सारे रेसिपीज हैं जिनमें आपके दुनिया भर के रेसिपीज, 118,000 रेसिपीज हैं फ्रॉम 26 वर्ल्ड रीजन्स एंड 74 कंट्रीज। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर यूज्ड इन द रेसिपीज, व्हिच देमसेल्व्स आर यूज्ड बिकॉज ऑफ देयर फ्लेवर। अगर हम टमाटर, अनियन, चिली, टैमरिंड अगर यूज करते हैं तो उसके फ्लेवर की वजह से है। तो फ्लेवर का डेटा जो कि मॉलिकुलर लेवल डेटा है कि इस पदार्थ में कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, उनके कौन से टेस्ट और ऑर्डर एट्रीब्यूट्स हैं, ये जमा किया। हेल्थ एसोसिएशंस की फूड इंग्रेडिएंट्स के ना कि डिशेस के, उनके हेल्थ इंपैक्ट साइंस ने क्या दिखाया अभी तक, क्या किसी ने बताया है कि भाई ये कोई विशिष्ट पदार्थ खाने से, जैसे जिंजर खाने से आपको कौन से अच्छे या बुरे परिणाम मिलते हैं। सारे साइंस को इकट्ठा किया है, लंबा समय का साइंस है ये, 90 साल का साइंस है, इकट्ठा किया एक जगह पे, डायटारिक्स कहते हैं उसे, और अभी अभी डेटा कलेक्ट किया है सस्टेनेबल फूड डीबी, यानी कि हम जो खाते हैं उसका हमारे अर्थ पे परिणाम होता है, तो उसको हमने जमा किया एक जगह पे, उसका नाम है अर्थ सस्टेनेबल डीबी। अब आते हैं एप्लीकेशन की तरफ। ये सारा डेटा तो जमा कर लिया, और आपने ये बताया कि इसको चलते डेटा साइंस की जा सकती है, तो एक हाथ दो उदाहरण दें। आपको एक उदाहरण बता दूं कि फ्लेवर डीबी में, फॉर एग्जाम्पल, अब अगर जाओगे और कहोगे कि मेरे पास एक इंग्रेडिएंट रेसिपी में जाना है बट मेरे पास है नहीं है, क्या आप दूसरा कोई और इंग्रेडिएंट बता सकते हो जिसका फ्लेवर प्रोफाइल, यानी कि स्वाद का जो उसका प्रोफाइल है, वो सिमिलर हो सकते हैं, तो आप ढूंढ सकते हैं, तो इसको हम फ्लेवर पेयरिंग कहते हैं, ठीक है? और बस दूसरा उदाहरण दे दूं जिससे आपको और भी ड्रामेटिक लगेगा, और आप ट्राई भी कर सकते हो, दोनों ट्राई कर सकते हो अपने घर पे, यानी कि हमारे डेटाबेसेस सारे ऑनलाइन अवेलेबल है, आप हमारे लैब का नाम, मेरा नाम लेकर अगर सर्च मारेंगे गूगल पे, इनफैक्ट फ्लेवर डीबी कहोगे तो सबसे पहले आएगा हमारा नाम, रेसिपी डीबी कहोगे तो हमारा पहला नाम आएगा, तो आपको पता चलेगा कि आवर साइंस इज द ग्लोबल साइंस एंड वी हैव मेड इट अ पॉइंट दैट इट इज अवेलेबल फॉर नॉन कमर्शियल पर्पजेस फॉर पीपल टू यूज। अलग बात है कि ऑफकोर्स कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि प्रॉपर एंटरप्राइज बनाना, बिजनेस, ये भी चल रहा है। अब दूसरा उदाहरण है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने, जो आपके ऑडियंस है आदित्य, उन्होंने चैट जीपीटी यूज किया होगा, यानी कि आपको पता है, आप जाके वहां पे कुछ कहोगे, प्रॉम्प्ट दोगे, यू विल आस्क अ क्वेश्चन टू चैट जीपीटी एंड इट विल आंसर इट। आप अगर कहोगे कि राइट अ रोमांटिक पोएम अबाउट ब्यूटीफुल इवनिंग इन पेरिस, तो बना के दे देगा उदाहरण के तौर पे। हमने बनाया है चैट जीपीटी फॉर डिशेस, ये सवाल पूछते हुए कि भाई डिश बनाना काम, नए व्यंजन बनाना, नए डिश बनाना, ये तो शेफ का काम है। हमने एलन ट्यूरिंग, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उद्गाता है, अनेक उद्गाताओं में से एक हैं, उनका जो सवाल था कि कैन अ मशीन थिंक, 155 पूछा गया था, उसी आइडिया को हमने एक्सटेंड किया है कि भाई कैन अ मशीन थिंक लाइक अ शेफ, ओके? और उसको आगे बढ़ाकर हमने एक एप्लीकेशन बनाया है जिसका नाम है रैटटुई, ओके? अब मुझे नहीं पता कितने लोगों ने ये मूवी देखी होगी, आई एम श्योर देखा होगा एनिमेशन, आपने आदित्य ने तो पक्का देखा है, तो ये एनिमेशन मूवी है, जी हाँ, जिसमें एक चूहा है जो अपनी रोजमर्रा की सड़ी हुई खाने जिंदगी, सड़ा हुआ खाना जीने खाने की जिंदगी से परेशान है,
और अपने बाकी भाई बंधों के ब्रदर्स और फादर के तुलना में वो थोड़ा चूजी है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, और वो आना चाहता है ह्यूमंस की दुनिया में, हमारी मनुष्यों की दुनिया में आकर मनुष्यों के जैसे खाना बनाकर अपने खाने का वो स्वाद चखना चाहता है, आनंद उठाना चाहता है, लुत्फ उठाना चाहता है। तो ऐसे रैट की कहानी है ये, रैटाटुई। बट हमारा इसको यहाँ पर दिखाने का कारण ये है, इसी मूवी में एक शेफ है, उनका नाम है शेफ गुस्ताव, वो कहते हैं एनीबडी कैन कुक, तो यानी कि कोई भी अगर चाहे तो खाना बना सकता है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि हैव लेग्स कैन डांस, कि अगर पैर हैं तो डांस कर सकते हो, नृत्य कर सकते हो, वैसे ही अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। हमने ये इस सवाल को बड़े अंत तक ले गए, हमने कहा कि चलो एक चूहा तो एक चीज हो गई जो कि एक कथा में दिखाई गई है गया है, हमने बोला कि भाई ये क्या ये सच में कंप्यूटर खाना बना सकता है? तो उसका हमने पेपर पब्लिश किया है और ये URL है जहाँ पे प्रोटोटाइप, अर्ली प्रोटोटाइप अवेलेबल है, जहाँ पे आप जाके कह सकते हो कि अनियन चिली पोटैटो क्लिक, और वो आपको एक नई रेसिपी बना के देगा, और आपको अगर पसंद नहीं आती है तो दूसरी बना लीजिएगा। तो ये हमने दो उदाहरण आपको दिखा दिए कि जिससे पता चले कि भाई हम जो काम कर रहे हैं उसके इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन हैं। जी ये तो सर लेमैन लैंग्वेज में को तो बहुत ही मजा आया जानने के बाद तो मैं इसमें एक जैसे जैसे लाइक इनोवेट करते हैं, जैसे मैं मास्टर शेफ देखा करता था, मुझे कुकिंग अच्छी लगती है, तो मैं मास्टर शेफ सीजन देखा करता था, तो उसमें मोस्टली चैलेंजेस होते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज में कुछ इनोवेटिव करना, टेस्ट में भी और रिप्रेजेंटेशन में भी। रिप्रेजेंटेशन तो अलग चीज होगी, तो सर सो कैन वी टॉक इन विद दिस GPT, फूड GPT, रैटाटुई इन इन दिस वे? यस यस, सो आइडिया इज इनफैक्ट, अच्छा सिंस मैंने प्रोजेक्शन बंद कर दिया, बट आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज दिखा देता हूँ जो आगे होने वाली है, जो मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी जो अभी तक हुई है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि भाई हमने तो खाना अभी रेसिपीज बनाई हैं, और आप बोलोगे कि रेसिपी बनाई मतलब कैसे? तो ये रेसिपी दिखती है कुछ ऐसे कि आपके स्लाइड पे आ जाएगा अभी, कि रेसिपी फॉर एग्जांपल दिखेगी कुछ इस तरह, हमारे ट्यूरिंग टेस्ट में आती है, एक मिनट, हाँ जी अब आएगी, ये रहा, ये आप अगर अपना मोबाइल खोलोगे आपको ये रेसिपी ऐसे नहीं दिखेगी, ये अलग बात है, इससे बेहतर दिखेगी, एक विजुअलाइजेशन है। हमने क्या कहा कि भाई मास्टर शेफ जाओगे वहां तो दिग्गजों की लड़ाई होती है, उसके पहले क्यों ना हम पहले इसको टेस्ट करें हमारे किचन में। तो हमने पता चला कि हमारे टेस्ट में किचन में टेस्ट करना भी मड़ाक मुश्किल है, क्योंकि इसमें से हो सकता है कई सारी रेसिपीज ऐसी निकली जो कि पैलेटेबल ना हो, स्वाद के अनुरूप ना हो, और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हो यह तो अलग बात है, बट इवन स्वादानुसार ना हो, उसको पसंद करे कम से कम, ये तो कह ना कहे कि भाई ये थूकने लायक है, आप खा लो कम से कम, ठीक है, उसके बाद बने स्वादिष्ट, कि अगर बोले कि भाई क्या मजा आ गया, राइट, इफ यू कैन डू दैट। तो हमने क्या किया कि अब पहले टेस्ट बनाया है, ये इसको कहते हैं उन्हीं नाम, उन्हीं साइंटिस्ट जिनका चित्र यहाँ पे दिखाया है, एलन ट्यूरिंग, उन्हीं के नाम पे हमने एक टेस्ट बनाया है जिसका नाम है ट्यूरिंग टेस्ट फॉर शेफ। ठीक है, अब इसके चलते हम कर क्या रहे हैं कि भाई हमारे पास ये साइंटिफिक टेस्ट है, एंड आई एम श्योर दैट ऑल द पीपल हु आर बिहाइंड इट, वेदर दे आर साइंटिस्ट और नॉट, वुड लाइक इट, कि हमने ये रेसिपी दिखानी है कुछ एक्सपर्ट शेफ को जिनको पता है कि रेसिपी होती क्या है, दिखती क्या है, और पढ़ने पर कैसे लगती है। तो उन्होंने अपनी जिंदगी में लाखों रेसिपी पढ़ी होती है, हजारों तो पक्का पढ़ी होती है, दसों 10,000 के ऊपर, मतलब बड़ी सारी रेसिपीज उन्होंने पढ़ी होती है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रेसिपीज। अब सवाल यह है कि हम अगर एक रेसिपी अगर शेफ को दिखाएं तो उनको कैसे लगेगा, इन द सेंस दैट विल दे बी एबल टू अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड इट। तो हमने एक सही रेसिपीज का स्टैक लिया है, बंडल, और एक कंप्यूटर जनरेटेड रैटाटुई, हमारा जो एल्गोरिथम है उससे जनरेटेड रेसिपीज ली हैं, और दोनों में से एक रेसिपी सामने वाले व्यक्ति को दिखाई जाती है, यानी कि एक्सपर्ट शेफ को दिखाई जाती है, उनको नहीं पता है कौन सी आ रही है, उन्हें अपना जजमेंट देना है कि ये रेसिपी फेक है, मतलब नकली है, या फिर रियल है, सच में सच वाली है। ऐसा जब हम लेंगे तो ये करने का कारण ये है कि भाई ऐसा करने पे हमें अंत में पता चलेगा, कई सारे शेफ, जैसे सपोज जी के 50 शेफ, हम शेफ ने अपने रिस्पॉन्सेज दे दिए, हर एक शेफ ने 100 रेसिपीज का रिस्पॉन्स दे दिया, हमें ये पता चलेगा कि भाई हमारा प्रोग्राम, हमारा अल्गोरिदम कितना अच्छा है, क्या वो ऐसी रेसिपी बना सकता है जो कि शेफ को
ये सोचने में मजबूर करे कि कंप्यूटर जनरेटेड रेसिपी एक्चुअल में सही है। ये वाला पहला काम हम करना चाहते हैं। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो भाई साहब देर इज नो एंड टू इट। हम कहीं भी जा सकते हैं। वी कैन गो टू कलिनरी स्कूल्स, IHMs, वी कैन गो टू होम स्कूल्स, एंड आइडियली इफ एवरीथिंग वर्क फाइन एंड वी आर सो कॉन्फिडेंट कि अवर अल्गोरिदम इज गिविंग फैंटास्टिक रेसिपीज जो कि स्वादिष्ट हैं, तो हम तो मास्टर शेफ में जाके भी कम्पीट करना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल सर। तो ये सब्जेक्टिव असेसमेंट अभी इन प्रोग्रेस है। इन प्रोग्रेस है, ट्यूरिंग टेस्ट फॉर शेफ चल रहा है। सब्जेक्टिव से भी ज्यादा मैं कहूंगा कि वैलिडेशन बाकी है। हमें रेसिपीज मिलती हैं और हम लोग लोग बोलते भी हैं कि भाई ये रेसिपी तो बहुत अच्छी लग रही है, हमें नहीं पता है सच में। अब आपने कंप्यूटर जनरेटेड बोल रहे हो लेकिन हमें तो रियल लग रही है। बट ये तब तक पता नहीं चलेगा जब हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट करेंगे ना लोगों को लेकर, तब जाके हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हम जो कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है। और हम ना ही रेसिपी जनरेट करेंगे कंप्यूटर से, बट आप कुक भी करोगे तो भी हमें अच्छी लगेगी। करेक्ट। दिस इज सिमिलर टू द क्वालिटी असेसमेंट ऑफ यूजर एक्सपीरियंस इन लाइक मल्टीमीडिया, इन द मल्टीमीडिया एरिया। या आई मीन लेस देन क्वालिटी हियर इट इज एफिकेसी। इज इट वर्किंग वेल, एफिकेसी एफिशिएंसी, व्हाट इज द एफिकेसी विद व्हिच यू आर वर्किंग। क्वालिटी तो बाद में आएगी कि उसमें क्वालिटी मतलब 19-20 में 9-10 में कितना रेटिंग ला रहा है। अभी हम पता करने हाँ चाहते हैं कि हमारी रेसिपी जो जनरेट हो रही है वो पास कितनी हो रही है और फेल कितनी हो रही है, वो जानना चाहते हैं। यस सर, जी दैट इज अमेजिंग सर। या आई स्टॉप शेयरिंग। सो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं ये क्वेश्चन पीएचडी एस्पिरेंट्स के बिहाफ पे पूछ रहा हूँ, जो लोग अभी पीएचडी एडमिशन के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशनल बैकग्राउंड डू यू थिंक इज रिक्वायर्ड एंड विल बी हेल्पफुल टू वर्क ऑन दिस फील्ड एंड टू गेट एडमिशन? और एक इसी में एक सब पार्ट है कि इन इंडिया लाइक IIIT दिल्ली आप हैं, और उसके अलावा और कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि जहां पर काफी एक्टिव रिसर्च हो रही है इस एरिया में? ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से दैट यू शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू वन पर्टिकुलर डोमेन विच इज वेरी नैरो फॉर डूइंग योर PhD। एंड आई विल गिव आंसर्स प्राइमरीली फॉर ब्रॉडली स्पीकिंग व्हाट इज कॉल्ड एज कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एरिया। ऑफकोर्स विद इन दैट एंड अराउंड दैट देर आर मेनी टॉपिक्स इंक्लूडिंग गैस्ट्रोनॉमी विच यू कैन कंसिडर। इनफैक्ट गैस्ट्रोनॉमी डजेंट इवन फिट पार्ट फुल्ली इन टू कंप्यूटेशनल बायोलॉजी दैट वे। बट those of you who are interested in doing PhD should definitely train yourself very well in A, the quantitative premises of the topic. For example, if you want to do computational biology, doesn't matter what you do, you still have to understand some basics of calculus and linear algebra. You will have to learn that. Okay, and if you want to calculus and linear algebra and do well, some of these topics are taught in most of the undergraduate programs oftentimes. But then how well are you doing it? Are you doing it just for the sake of clearing the exam or more in terms of understanding the topic? So I would say that you should do the latter. Understand the topic well, invest yourself in understanding these concepts, and trust me, these all will come back to you to help you later as you move along. So quantitative premises must be strong, A, and B, the domain specific knowledge that you must gain if you want to work on immunology or molecular biology or any other topic, gastronomy, or you want to work on cancer genomics. So the domain related area you should understand as much as possible. I understand these are very specialized topics, therefore it might be difficult for you to grasp everything. However, to the best extent possible you should do that. Yeah, other than these two attributes that I mentioned, one is that you must have a domain quantitative aptitude knowledge at the level of calculus, linear algebra, etc., and domain specific knowledge of any specific area that you would like to specialize in. The third thing that you must have is that of having some idea about why do you want to do PhD. PhD is not just another degree. It is not. And the career opportunities for PhDs have been changing over time. They are dramatically changing. Maybe 30 years back, doing a PhD was a guarantee of getting a professor position, almost a guarantee. It is no more a guarantee. Moreover, the opportunities have opened up at the same time in other areas. You can go into industry, different type of industry.
You can go into technical domain of any company for that matter. Some of them are going into science communications. So all of these alternative career tracks is what you should keep it in mind before you do devote yourself for PhD. And the last thing is that do it as early as possible. Don't wait for after BTEC. If you think you are yearning to do PhD, please do it. Jaldi kijiyega. Na ki aap MTech karo aur uske baad karne ki koshish karo. Maybe if you are good, then you should be good. It is good enough to get started with BTEC. And if you are not really good and not meant for doing a PhD, then even after doing two masters, you may not be able to do a good PhD. Correct. So among the institutions which are working in the area of computational biology, there is obviously some of the hardcore, may I say, molecular biology laboratories, right from CCMB, NCBS, IGIB, and there are a few others, TIFR, who are working in computational biology. So most of them may not have a full-fledged department, but there are faculty who are working. IIIT Delhi incidentally has a full-fledged department with 11 faculties. And I'm proud to say that they are among the best of the people, so much so that I can feel jealous about them. They're so good. Okay. So we have a full-fledged program running here. Consider us. Then there are Pondicherry University is there. There may be some Anna University, Kerala. In Kerala, there is one university. Then there is IMSC has a computational biology department. So scattered places. So my last question of our today's discussion, sir, is how you will motivate the aspiring PhD students to join this unique area of research? Like I'm asking in terms of career prospects. I got it. I understand. So you know what? First of all, this area as a computational gastronomy has relatively recent. 8 years might seem long time, but it's a very short time in the history of science. Very, very short time. If there is any reason that you would like to join for, I'll give you a few reasons, in terms of why doing a PhD or working in a specialized discipline such as computational gastronomy could be of value to you. I'll just try to exemplify this with a few case studies. Okay. And this case study, obviously, because it is a PhD, will be more about how doing PhD helps you improving your understanding about reality and how it helps you maybe devising new technologies and maybe getting career opportunities. All three I will try to answer as much as possible. So I've shared the slides. When we started this work, we were asking a very simple question about, are there patterns in the recipes in Indian cuisine? And if there are patterns, then are they different from that of the Western cuisines? And we found answers, very interesting answers, that yes, and spices are the ones which are deciding key role. And that was surprising. Imagine, one thing is to know that apples fall, and it's another thing to have an equation about how apples fall. These two are dramatic things. Same way, knowing that Indian cuisine is different, knowing that spices are important in Indian cuisine is one thing. On the other hand, having a proper mathematical, statistical understanding of this is extremely important. Now I'll tell you a bit of, so-called flash of what, why you should be doing computational gastronomy. After collecting data of worldwide cuisines, we started asking questions which are of broad, very broad natures. We are asking essentially what makes French cuisine French and Brazilian cuisine Brazilian. What is the essence of the identity? Essence on the identity of a cuisine. Now, these questions, why they may be related to food, you might say that, oh, I'm a computer scientist, why should I work on this? For example, hey, this question is so deep that it actually drives you down into computer science and data science, because you need to use item set mining, pattern mining, data mining. You need to define, use various metrics. You need to do data dimensionality reduction, etc. So a simple question for coming from food actually can drive you into different directions. And when we did this work of culinary fingerprinting of the world cuisines, we realize that it's an amazing tool to find something interesting about each cuisine. And we have now done it. And this has got industrial applications, by the way. Okay. And there is another piece of work that we did and have been continuing to work on. And that happened to be specifically in the context of our cuisines related to each other. African cuisine, is it related to India? How? Brazilian with Italian, etc. Are they related? When we ask this question, initially it might seem as if, come on, what's a frivolous question this is? Is this really of any value or not?
Trust me, this can be of strategic value. And people have told me how, first of all, it is philosophical value about over the last so many thousands of years, how cuisines have evolved. And having got this, you can actually establish the credentials of any cuisine. For example, Indian cuisine, which has got a history of at least 3 to 5,000 years back, about how it is unique, how there are certain relevant things, relevant motifs are present in the Indian cuisine. If this research was not important, if this research was not important, you would not find people like Veer Sanghvi, who write about food, talking about how, for example, our research highlights the magic of Indian spices. If it was not important, Royal Society of Chemistry would not be putting it on the cover page saying currying flavor. So, but remember, it's not only gastronomy. Any topic is different from the mainstream. If you work on it, you'll have challenges. It won't happen easily. Okay, but today gastronomy stands at a place where it is accepted not only by science, Royal Society of Chemistry, for example, journalists, but also by chefs, practitioners. Chefs, this is Chef Garima Arora, who used to be on MasterChef. I'm happy to say that she is on my call list. I can actually take my phone and actually call her, right? And she is the one who has been driving one of these Food Forward India movement. And of course, even practitioners have been accepting it. And if you think this is just, something which is still happening, trust me, people like Parash Chopra, who are among the most important influencers on social media, they have written about how our science can be used for designing food by using machine learning, for example. So there are a lot of reasons why you should be doing it. ITC today happens to be, I presume, the largest FMCG company. They have been in India for a long, long period of time before they are from East India time, actually. Okay. But today it is one of the largest company, FMCG company. It has overtaken others, if I understand it correctly. They had a Golden Jubilee celebration. Okay. And they had 450 scientists, including the top brass, management brass, visiting there. And the person who was called for telling them about the future of food was me. So you can imagine, it's not about me being important. It's about how the topic has become relevant. It has become extremely relevant and everywhere, right from industry, professions, such as culinary professions, to policymakers, such as ministry, and regulators such as FSSI and startups. They have been all looking into it. And that is where today our lab at least has established the credentials of computational gastronomy. And worldwide now, there are multiple labs which are doing this work in one way or the other way, although we do it with the most intensity. And I believe nothing can be a more better advertisement than that, saying that, look, what started as a humble beginning in IIT Jodhpur, very, very humble beginning, if we were in Ratanada at that time, it has become a global science, Aditya. You would remember that those times, right? So it has become a global science to the extent of now being, I mean, I proposed it as my TEDx talk. It's an idea, my idea worth spreading, that this is what is happening. I think I will close simply by telling this. I'm a small town boy, and I grew up in Solapur, a very small town. And for me as a teenager, I think my window to science and technology was Turning Point, that television series, and Science Reporter magazine, by the way, which is published by CSIR, was available for very small, maybe 3 rupees, 5 rupees or something like that. The research was on the cover of Science Reporter magazine, highlighting how important the science has become nationally and internationally also, because this is Paris-based magazine called Food Innovations Quarterly. And even this has highlighted our work, clearly indicating we have reached a place where there is plenty of scope for doing research in the area of computational gastronomy. I would essentially close at that, without taking much time, Aditya. I will leave it to you. That is really amazing, sir, to know about this research area and all the significance, importance, and applications of it. मैं एक बात कहूँ सर, मुझे आज सबसे ज्यादा मजा आया सारे एपिसोड्स में. लाइक एवरी टाइम आई डू, मोस्ट ऑफ द टाइम आई डू डिस्कशंस ऑन द टॉपिक्स व्हिच आई आल्सो नो, मतलब लाइक कि मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ. मोस्ट ऑफ द टाइम्स द टॉपिक्स वर द डाउट्स एंड इश्यूज दैट अ पीएचडी एस्पिरेंट फेस, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग एरिया वाइज, लाइक research area wise.
दैट इज क्वाइट जी इंटरेस्टिंग एंड न्यू टू मी. एंड थैंक यू सो मच सर फॉर स्पेरिंग सम टाइम फॉर दिस डिस्कशन एंड मेकिंग अवर व्यूअर्स नॉलेजेबल एंड अवेयर अबाउट दिस यूनिक एंड इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च. सो आई होप कि इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन और इंस्पिरेशन दोनों मिलेगी इस एरिया में काम करने के लिए. थैंक यू जी सर. थैंक यू सो मच. Thanks a lot, Aditya, for having me around. I really love talking to you, and I must congratulate you for doing this unique activity of talking to people who you think can possibly you can learn from. Not only you, but also your fellow researchers can learn from. We are all in the learning process, by the way. Okay, yes, just sir. That some of us like who have lived for a little longer. Have little more experience, little more lost hair and maybe gray hair, and therefore might have, not always everyone has that, by the way, might have something relevant to say with which you can learn from my mistakes and not do the same mistakes again. Even if that much can be done, it will be fantastic, and you are a crusader in that. So really thank you for inviting me. It's my pleasure to be talking to a student from an institute where I have had one of the most wonderful experiences, IIT Jodhpur. So thank you, Aditya. Thank you so much, sir. Thank you. Okay.